हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टॉलीवुड अपडेट्स। तो गाइज, जैसा कि आपको पता ही है कि बालिका वधू का नया सीज़न यानी कि सीज़न 2 जल्द ही लॉन्च होने जा रहा है कलर्स टीवी पे। इसके प्रोमोज भी रिलीज़ हो ही चुके हैं और 2-3 प्रोमोज इसके टीवी पे चलते आ रहे हैं। तो इसी के बारे में कुछ नए अपडेट्स और कुछ नई डिटेल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को ज़रूर देखते रहिए। और गाइज, अब तक हमें पता नहीं था कि शो कब लॉन्च होने वाला है वगैरह वगैरह, किसको रिप्लेस करेगा, कौन सी क्या टाइम स्लॉट होगी। लेकिन गाइज, अब हमें रिवील हो चुका है कि ये शो कब आने वाला है, कौन से शो को रिप्लेस करने वाला है वगैरह वगैरह। तो मैं आपको बता दूं इस शो की स्टार्ट डेट क्या है। तो गाइज़, ये शो स्टार्ट होने वाला है अगस्त में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगस्त या फिर सितंबर में लॉन्च करने का प्लान है, ये मैंने आपको बताया था वीडियोज़ में। अब बात करें एग्जैक्ट रिलीज डेट क्या होने वाली है, तो 9 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है इस शो। अब अगर हम बात करें कि इसकी टाइम स्लॉट क्या होने वाली है, तो गाइज़ ये मंडे टू फ्राइडे आया करेगा 8 बजे की टाइम स्लॉट पे। तो गाइज़, बालिका वधू का जो सीज़न 2 है 9 अगस्त से यानी कि 9 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है कलर्स टीवी पे, और मंडे टू फ्राइडे 8 PM की टाइम स्लॉट यानी कि 8 बजे की टाइम स्लॉट पे आया करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, बालिका वधू जो सीज़न 2 है वो किसको रिप्लेस करने वाला है? तो गाइज़, कलर्स टीवी का पॉपुलर शो शक्ति अस्तित्व के एहसास की, जिसमें रुबीना दिलिक प्ले करती हैं मेन लीड का रोल, काफ़ी ज़्यादा सालों से चल रहा है ये शो, काफ़ी पॉपुलर है, तो इसको रिप्लेस करने वाला है बालिका वधू का। बालिका वधू को भी इस शो ने ही रिप्लेस किया था, बालिका वधू के सीज़न 1 को शक्ति अस्तित्व के एहसास की ने रिप्लेस किया था कलर्स टीवी पे। और अब जो बालिका वधू का सीज़न 2 आने वाला है वो शक्ति को ही रिप्लेस करने वाला है 8 बजे की टाइम स्लॉट पे। तो गाइज़, इसका मतलब क्या हुआ, क्या शक्ति के फैंस को डरना चाहिए, क्या उनके लिए बैड न्यूज़ है, क्या शक्ति अस्तित्व के एहसास की ऑफर जा रही है, या फिर इसका टाइम स्लॉट चेंज होने वाला है? तो गाइज़, मैं आपको बता दूं, फिलहाल के लिए कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि शक्ति के साथ क्या होने वाला है, क्या शक्ति की टाइम स्लॉट चेंज करी जाएगी या फिर इसको ऑफर किया जाएगा। ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर शो है, बालिका वधू सीज़न 1 भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, तो बालिका वधू को प्राइम टाइम स्लॉट देना चाहते हैं कलर्स टीवी, तो 8 बजे की टाइम स्लॉट उसको दी है। मेन टाइम स्लॉट्स में से एक होती है जिसपे वो ज़्यादा TRP एक्सपेक्ट कर रहे हैं बालिका वधू से, तो ये रीज़न है कि शक्ति को वो रिप्लेस करने वाला है कलर्स टीवी। बालिका वधू से काफ़ी हाई होप्स रखते हैं कि ये सोच रहा है कि उससे काफ़ी ज़्यादा TRP आएगी, लेकिन फिलहाल के लिए हमें ये नहीं पता कलर्स टीवी का क्या डिसीज़न है शक्ति अस्तित्व के एहसास की पर, क्या शक्ति ऑफर जाएगी या फिर शक्ति का टाइम स्लॉट किया जाएगा, चेंज किया जाएगा, वो अभी के लिए हमें बिल्कुल भी नहीं पता। लेकिन हमें इतना पता है कि बालिका वधू इसको रिप्लेस कर रहा है 9 अगस्त से 8 बजे की टाइम स्लॉट पे। तो शक्ति अस्तित्व के एहसास की 8 बजे पे नहीं आएगा 9 अगस्त से, या तो ऑफर जाएगा या टाइम स्लॉट चेंज होगा। तो गाइस, जब भी इस पर कोई अपडेट होगा, जब भी मेरे को पता चलेगा कि ये शो ऑफर जा रहा है या फिर इसकी टाइम स्लॉट चेंज हो रही है, कोई भी शक्ति अस्तित्व के एहसास की पे लेटेस्ट अपडेट होगा तो तभी आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे, जब भी मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो उसके लिए चैनल से बने रहिए, हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, उसके साथ में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि आप चैनल से बने रहें, आपको पता लगता है शक्ति के साथ क्या होने वाला है, क्या शक्ति ऑफर जाएगा, टाइम स्लॉट चेंज होगी, जो भी लेटेस्ट कलर्स टीवी की न्यूज़ होगी सारी आप तक पहुँचती रहेगी। तो गाइस, यही था इस वीडियो में, आपको रिलीज डेट टाइम स्लॉट पता लग गया है, किस शो को रिप्लेस करने वाला है ये भी पता लग गया है, बाकी और वीडियोज़ में मैं आपको ज़रूर बता दूंगा कि शक्ति के साथ क्या होने वाला है, शक्ति शो के फैंस को डरना चाहिए या फिर नहीं। तो फिलहाल के वीडियो में इतना ही, चैनल से बने रहिए, अभी के लिए चलता हूँ, शेयर कर दीजिए सारे कलर्स टीवी के फैंस के साथ, गुड बाय।